झींगा, लॉबस्टर, सीपी तथा ऑयस्टर युक्त समुद्री आहार मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया उपहार है। समुद्र से मत्स्य उत्पादन में रुकावट के कारण नियंत्रित परिस्थितियों में जल कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। भारत में लगभग 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा कृषि की जाती है, जिससे विदेशी विनिमय में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का योगदान प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य कर रहे 8 मत्स्यकीय संस्थानों में से एक केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान है, जिसका लक्ष्य झींगों, मछलियों और केकड़ों के प्रजनन व पालन हेतु अनुसंधान का आयोजन तथा प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण हेतु संस्थान नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कृषक सभाओं का आयोजन करता है तथा प्रदर्शनों में भाग लेता है। चेन्नई से दक्षिण में 30 किलोमीटर दूरी पर मुट्टुकाडु में संस्थान का एक प्रायोगिक केंद्र स्थापित है, जहां स्फुटन शालाएं, आहार मिल तथा प्रयोगशालाएं स्थित है। अब हम संस्थान के निदेशक व युवा स्नातकों के बीच भी बातचीत में भाग लेंगे। It is good that you have come to this institute to know more about shrimp farming. In fact, this institute has developed technologies for all the aspects related to shrimp farming. Shrimp farming involves not only the farming of shrimp, but also involves manufacturing of feed, disease diagnostics, and health management. So we have all the facilities of these activities in this institute. And after seeing all these facilities, you can think of either to go for shrimp farming, or to start a feed mill, or to establish a disease diagnostic and soil and water quality testing laboratory. There are so many aspects related to that. We will be taken care of in this institute to show all the activities related to all the shrimp farming activities, and our scientists and technicians are experts in this field. They will take you to the labs and they will take you to the field and to physically demonstrate how shrimp farming is being done. I think your experience in this institute will be very useful to set up your own establishment and to go and wish you a good future. झींगा कृषि के अंतर्गत मनुष्य 4 क्षेत्रों में स्वरोजगार के संबंध में सोच सकता है। वो 4 क्षेत्र हैं: बीज उत्पादन, आहार उत्पादन, तालाब संवर्धन तथा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला। किसी भी पालन कार्य में बीज प्रमुख तत्व है। पीलायक झींगों का परिपक्वन, प्रजनन व डिम्बक वृद्धि समुद्र में होती है। स्फुटन शालाएं बीज का उत्पादन करती हैं तथा उन्हें स्वच्छ समुद्री जल की आवश्यकता होती है। रोगों से बचाव हेतु स्फुटन शालाओं में गहन जीव सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है। समुद्र से पंप किए गए पानी को असाधन टैंकों में जमा किया जाता है, क्लोरीन से उपचार किया जाता है तथा रेतीले फिल्टरों, सक्रिय कार्बन फिल्टरों, यूवी फिल्टरों तथा कैडरेज फिल्टरों से फिल्टर करने से पूर्व इसे विक्लोरीनीकृत किया जाता है। सभी टैंकों में वायु ब्लोअरों द्वारा वातन जारी रखा जाता है। भारत में टाइगर झींगा, पेनियस मोनोडॉन प्रजाति का अत्यधिक पालन किया जाता है। पीनियर झींगे बंदी परिस्थितियों में परिपक्व नहीं होते हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने नेत्र छेदन के द्वारा परिपक्वन किया, जिसमें निरोधी हार्मोन होता है। नेत्र छेदित मादा को विसंक्रमित किया जाता है तथा धीमे प्रकाश और स्वच्छ जल में इनका पालन किया जाता है। इन्हें पौष्टिक रूप से संतुलित जैविक आहार जैसे क्लॉम का मांस तथा पॉलीकीट कृमि दिया जाता है। प्रतिदिन 200% जल विनिमय के दौरान पालन टैंकों में जल गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। प्रजनकों पर अल्प दबाव के साथ परिपक्वन अवस्थाओं का 3 दिन में एक बार निरीक्षण किया जाता है। पूर्ण रूप से परिपक्व झींगों को निकालकर फॉर्मेलिन से विसंक्रमित किया जाता है तथा अंडजनन टैंकों में ले जाया जाता है।
मादा झींगा रात्रि के दौरान अंडजनन करती है तथा अंडजनन टैंकों में इसे सवेरे निकाला जाता है। अंडों को अंडे संग्रहण बॉक्स में एकत्र किया जाता है, अच्छी तरह धोया जाता है तथा उन्हें फिर से फिल्टर हुए स्वच्छ समुद्री जल में पुनः बिखेर दिया जाता है। निषेचित अंडे 12 से 18 घंटे में नोपली के रूप में स्फुटित होते हैं तथा और आगे पालन हेतु नोपली को डिंबक पालन टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है। नोपली पीतक पर जीवित रहते हैं तथा जोया में निर्मोचित होते हैं। जोया को एक कोशिका शैवाल तथा डाइटम आहार दिया जाता है। शैवाल का शुद्ध पालन भीतरी कक्षों में तथा सामूहिक पालन बाहरी टैंकों में किया जाता है। उपयुक्त फिल्टर के कपड़ों द्वारा अवसाद को निकालकर जल गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है तथा निकले हुए पानी की भरपाई फिल्टर किए हुए समुद्री पानी से की जाती है। जोया मैसिस अवस्था में निर्मोचित होते हैं तथा उन्हें डाइटम के साथ बायन झींगा एट्रोमिया नोपली आहार दिया जाता है। ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने हेतु वातन प्रदान किया जाता है तथा डिंबकों व आहार दोनों को बिखरे हुए रूप में रखा जाता है। डिंबक तरों को कृत्रिम आहार देकर पालन किया जाता है। दिनों के डिंबकों को एकत्र किया जाता है तथा आकृति व आचरण हेतु गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है तथा उन्हें तालाबों में परिवहन हेतु ऑक्सीजन पैकिंग के साथ पॉलिथीन बैगों में पैक किया जाता है। सभी सुविधाओं युक्त 50 मिलियन बीज क्षमता वाले स्फुटनशाला के निर्माण में लगभग 15 से 20 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है। एक डिंबकतर की उत्पादन लागत 7 से 10 पैसे होती है तथा विक्रय मूल्य 15 से 20 पैसे होते हैं। 50 मिलियन क्षमता वाले स्फुटनशाला प्रतिवर्ष कुल 20 से 30 लाख रुपए तक लाभ प्रदान कर सकती है। अब हम एक झींगा स्फुटनशाला प्रचालक से बात करते हैं। आरंभिंग थ्री मंथ्स में आरंभिंग है। एनुअल कैपेसिटी एवरी 20 मिलियन इनपुट आउटपुट और नियरली 7 टू 8 मिलियन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरी वर्दे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर बैच में भी ओवर मारे रखो मटेरियल प्रोडक्शन एवरी वर्दे अपडिंग रहा एवरेज और 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 सीड को भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 टू 8 पाइस और सेल प्राइस भी रखे सम नियरली 15 टू 20 पाइस नॉर्मली। झींगा कृषि कार्य में मुख्य निवेश आहार पर होता है। झींगा के लिए 40 से 45 प्रतिशत प्रोटीन 6 से 10 प्रतिशत लिपिड तथा प्रति 100 ग्राम में 350 से 400 किलो कैलोरीज ऊर्जा स्तरों युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संस्थान ने स्थानीय रूप से उपलब्ध संघटकों का उपयोग करके स्वदेशी संसाधन प्रौद्योगिकों के द्वारा झींगा आहार विकसित किया है। उच्च गुणवत्ता युक्त संघटकों के आवश्यक अनुपात को महीन चूर्ण के रूप में पीसकर कर
मिक्सर में अच्छी तरह मिलाया जाता है। पेलेटाइजर में मिश्रित संघटकों को भाप देकर गोटिकाइप किया जाता है। विभिन्न साँचों का उपयोग करके अलग अलग आकार की गोटिका तैयार की जा सकती है। डिम्भक अल्पवयस्क व वयस्क को आहार प्रदान करने के लिए प्रारंभक, वर्धक तथा परिसर्जक नमक आहार की तीन श्रेणियां तैयार की जाती हैं। प्रति घंटा एक टन क्षमता एक आहार मील के लिए 25 लाख रुपए निवेश की आवश्यकता होती है। परिचालन कार्य लागत प्रति किलो 20 रुपए होती है तथा विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलो होती है। 50 से 100 लाख रुपए वार्षिक लाभ पक्का है। खारे पानी प्रक्षेत्रों में झींगा पालन निवेश हेतु एक अगला विकल्प है। टिकाऊ झींगा कृषि के लिए अनुकूलतम जल व मृदा गुणवत्ता के साथ उपयुक्त स्थल का चयन महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकता है। क्षेत्र का निर्माण करते समय तटबंध के उपयुक्त कसाव हेतु सावधानी बरतनी चाहिए। उपयुक्त निकास मार्गों के साथ प्रक्षेत्र की उपयुक्त डिजाइन तथा तालाब तल हेतु ढलाव आवश्यक है। शुष्कन द्वारा पूर्व पालन के ऑर्गेनिक अवसाद को निकालना तथा मृदों को जोतने के साथ ही पालन के लिए तालाब की तैयारी आरंभ होती है। मृदा के पीएच को ठीक करने तथा तालाब की मृदा को अनुकूलन के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अन्य जीवों के प्रवेश से उपयुक्त सुरक्षा के साथ खाड़ी से पानी भरा जाता है। झींगा पालन हेतु न्यूनतम 1 मीटर गहराई आवश्यक होती है। Thank you.
तथा निकास मार्ग उचित रूप से बंद तथा नेट स्क्रीन से रक्षित किया जाता है। तालाब जल में पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए निषेचन किया जाता है, जो तालाब में जीवित आहार के उत्पादन को सरल बना देता है। संकरण सामान्यतया देर रात में किया जाता है। 6 से 10 संख्या प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्पुटनशाला उत्पादित रोग मुक्त बीजों का संकरण किया जाता है। तालाबों में डालने से पूर्व बीजों को तालाब जल का तापमान तथा पीएच के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। सामान्यतः स्पुटनशाला में ही लावण्यता का समायोजन किया जाता है। संपूर्ण ताला प्रबंधन में आहार प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि पालन कार्य में लगभग 40 से 60 प्रतिशत अवधि लागत आहार पर की जाती है। आहार प्रबंधन का उद्देश्य आहार कम अथवा ज्यादा दिए जाने से बचना है। सामान्यतः आहार एक दिन में 4 से 6 बार दिया जाता है। झींगों द्वारा प्रयुक्त आहार की मात्रा का पता लगाने के लिए आहार परीक्षण किश्तियों का उपयोग किया जाता है। प्रति हेक्टर 4 से 6 परीक्षण किश्तियों की आवश्यकता होती है। कुल आहार का 1 से 2% परीक्षण किश्तियों में रखा जाता है तथा 1 घंटे के बाद जांच की जाती है। परीक्षण किश्तियों को ध्यान में रखकर आहार की दर समायोजित की जाती है। वतित्रों का उपयोग करके प्रक्षेत्र में जल गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, जो घोलित ऑक्सीजन के स्तर को 4 PPM से ऊपर रखने में सहायक है। लवणता, पीएच तथा घोलित ऑक्सीजन हेतु समय समय पर जल गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जल विनिमय एक आसान विधि है। झींगा पालन में स्वास्थ्य प्रबंधन एक अन्य पहलू है। जब झींगों पर स्ट्रेस डाला जाता है तो सामान्यतः वे जीवाणुविक, कावकीय तथा विषाणुक रोगों से प्रभावित होते हैं। अच्छे प्रबंधन कार्यों को अपनाकर तथा तालाब में मृदवत जल की गुणवत्ता अच्छी बनाए रखकर रोगों की रोकथाम की जा सकती है। रोक लगाई गई दवाओं और रसायनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। झींगे 4 महीनों में बेचने योग्य आकार के हो जाते हैं।
अच्छे प्रबंधन कार्य अपनाने से प्रति हेक्टर कुल 1.5 से 2 टन उत्पादन संभव है। एक हेक्टर प्रक्षेत्र निर्माण हेतु पूंजी निवेश लगभग 3 से 4 लाख रुपए होगा। उत्पादन कार्यों पर प्रति किलो लागत 120 या 160 रुपए होती है, जबकि विक्री मूल्य 200 से 250 रुपए प्रति किलो होती है। इस प्रौद्योगिकी से प्रति हेक्टर प्रति फसल 2 लाख रुपए लाभ संभव है। विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना शिक्षित युवाओं के लिए एक अन्य विकल्प है। झींगा कृषि को हेतु बीज गुणवत्ता, आहार गुणवत्ता, मृदा व जल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाओं की आवश्यकता होती है। एमबीवी तथा पीसीआर परीक्षणों द्वारा झींगा बीजों में रोगाणुओं की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए संस्थान ने शीघ्र परीक्षण किट का विकास किया है। अन्य जीवों में जीवनविक भार का पता लगाया जाना भी आवश्यक है। तथा जल गुणवत्ता प्रयोगशाला तालाब के मृद व जल में पोषकों, संदूषकों तथा प्रदूषकों के स्तर परीक्षण हेतु सेवाएं प्रदान करती है। Thank you.
आहार परीक्षण प्रयोगशाला आहार के अनुमित मिश्रण वे पोषण मिल गुणवत्ता के विश्लेषित करती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव निदान तथा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 15 से 20 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता है। पीसीआर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है। कृषकों को इन परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होने के कारण ये प्रयोगशालाएं अपनी सेवाएं प्रदान करने के आधार पर फायदेमंद हो सकती है। झींगा कृषि से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद ये युवा स्नातक निवेश हेतु उपलब्ध इन चार विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए आश्वस्त है। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्वरोजगार हेतु अपनाने वालों के लिए उत्तम पुस्तकालय सुविधा, प्रकाशनों के भंडार तथा समर्पित वैज्ञानिकों के साथ संस्थान सहायता हेतु तैयार है।